हेलो गाइस मेरा नाम दीपंकर वासु और आज हम सीखेंगे कैसे थ्री डी टूलपाथ और टू डी टूलपाथ क्रिएट किया जाता है और वो भी थोड़ा यूनिक टाइप के मतलब जैसे कि मान लो ये कोई कस्टमर का ऑर्डर है तो इधर में कस्टमर बता रहा है ये गणेश वाला जो पोर्शन है ना ये पंद्रह एम एम डीप होगा ठीक है और ये साइड वाला जो मेटेरियल है ठीक है ये मेटेरियल होगा आपका दस एम एम मतलब जो होगा ना वो उठ की आपके पास क्या कैसा आएगा मालूम है आपके पास शायद ऐसा हो भी सकता है आपके पास आया भी हो इससे पहले नहीं आया तो भी आ भी सकता है चलो मैं पहले पेंट ओपन करता हूँ आ गया तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ नॉर्मल पेंट हाँ चलो अब इसमें ध्यान से एक बार देख लो मान लो जो लकड़ी होगा ना आ, अगर मैं आपको थोड़ा नीचे साइड के शेप से दिखाऊं तो ये मान लो साइड वाला पोर्शन होगा ये बीज वाला पोर्शन होगा और ये साइड वाला पोर्शन होगा मतलब आपके पास अगर इस टाइप का डोर आया पैनल वाला ठीक है मान लो इस टाइप का डोर ड्राॅइंग पर ज़्यादा ध्यान मत तो मतलब ड्राॅइंग तो वैसे ही खराब होगा क्योंकि माउस से कर रहा हूँ तो ये वाला पोर्शन ना ये वाला पोर्शन बोलेगा गणेश करने के लिए ठीक है ये वाला पोर्शन गणेश करने के लिए बोलेगा इसमें गणेश कटिंग होगा पंद्रह एम तक डिजाइन होगा और ये साइड वाला जो पोर्शन है मतलब ये वाला जो साइड है बाकी जितना भी चीज है ना ये आपको करना होगा दस एम ठीक है तो मतलब इधर में होगा दस एम इधर में होगा दस एम और ये बीच में सिर्फ गणेश होगा पंद्रह एम एम तो ऐसे अगर कोई लकड़ी आए तो इसमें कैसे टूलपत किया जाता है ठीक है और सेकंड जो बात है तो इसमें आप कस्टमर को ये भी सजेस्ट कर सकते हो जो भैया गणेश वाला इससे अच्छा आएगा ऐसे करना पर ठीक है गणेश बहुत बहुत बो, तो मोटा तंगड़ा आएगा ठीक है देखने में अच्छा लगेगा ज़्यादा डिपिंग होगा कि क्योंकि इसमें मान लो आप ट्वेंटी फाइव एम तो यूँ ही मान लो ए वाला ट्वेंटी फाइव एम होगा साइड वाला दस एम होगा तो लकड़ी भी ज़्यादा खराब नहीं होगा क्योंकि मान लो कोई अगर डोर आता है ना ऐसे नॉर्मल हमारे पास जो डोर आता है कटिंग करने के लिए सिर्फ कस्टमर को बता दो आप बीच में से इतना कर लो इधर में इतना एक पोर्शन और भी ऐड कर लो उसके ऊपर में लकड़ी से तो इसमें हम लोग गणेश कटेंगे और बाकी साइड में दूसरा जो पार्ट है वो कटिंग करेंगे ठीक है देखने में बहुत बढ़िया लगता है तो अगर ऐसे में आए जो डोर डिजाइन तो फिर इसको डोर आता है तो इसमें डिजाइन हम लोग कैसे क्रिएट करें टूल पाथ ये एक पहला टॉपिक हो गया सेकेंड वाला टॉपिक आएगा आपका जैसे कि कोई भी जाली ये टू डी के लिए ये तो थ्री डी का हो गया ठीक है ये आपका थ्री डी का हो गया अब हम टू डी में दिखाएंगे टू डी में एक आ, सिंपल से आ, केस है जैसे कि किसी को जाली कटिंग करना है तो सबको जाली कटिंग करने का जो टूल पाथ होता है वो क्या होता है आ, कोई भी डिजाइन हो तो हम लोग इनसाइड में कटिंग करते हैं ठीक है इनसाइड में हम लोग कटिंग करते हैं और वही बीट मतलब सिक्स एम एम बीट से अगर हम इन साइड में कटिंग करेंगे ठीक है तो इसका आउटर भी सिक्स एम एम से कटिंग होगा तो ज्यादातर लोग एट्टी परसेंट लोग मैं आपको बता रहा हूं एट्टी परसेंट लोग क्या करते हैं दो टूलपाथ बनाते हैं एक आउटर ठीक है एक आउटर और सेकेंड है आपका इन साइड ठीक है तो ये क्या होता है ये दोनों टूल पाथ नहीं चाहिए एक ही टूल पाथ होगा जिसमें इन भी कटिंग होगा और ऑटोमेटिकली कटिंग होने के बाद इन साइड पहले कटिंग होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली मैसिंग जाके आउटर कटिंग करके इसको निकाल देगा मतलब आपको दोनों बार फाइल चलाने की जरूरत नहीं है तो ऐसे फाइल टू का फाइल कैसे बनाए ठीक है थीके? तो ये हम लोग आज पाथ सीखेंगे तो चलो ये जो गणेश के बारे में कर रहा हूं पहले ये वाला दिखा देते हैं और तो 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 चलो एक पेज ले लेते हैं जिसका साइज होगा जैसे कि सेवेंटी इंच पकड़ लेता हूँ और इधर में देता हूँ थर्टी इंच ठीक है सेवेंटी बाई थर्टी ये आपका पेज होगा एम एम कर दिया ओके दबा दिए ठीक है ये लोडिंग हो और, और एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना जैसे कि क्लास अभी स्टार्ट होगा तो मार्च से होगा मैंने टारगेट रखा है मार्च से करेंगे तो सब्जेक्ट में आपका टोटल आर्ट कैम का जो टूल एंड यू आई इंटरफेस है वो सब होगा टू डी टूल वर्क होगा ड्रॉइंग लाइन ए टू जेड आपको पूरा जो आर्ट कैम होता है ना ऐसे बारीकैसे आपको सिखाया जाएगा ठीक है कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है कब यूज होता है ये इंपॉर्टेंट है जैसे कि यूट्यूब में अवेलेबल है वीडियो थ्री डी टूल पद बनाना आप मान लो कैसे डिजाइन बनाना होता है एक्सट्यूट कैसे यूज करते हैं ये सारे अवेलेबल है बट ये जो ऑप्शन है ना ये किस में काम आता है कब काम आएगा मान लो एक रीजन आ गया मेरे पास अब इसमें टू से यूज करना है या फिर एक्सट्यूट यूज करना है ये यूट्यूब में नहीं है ये बताता कोई नहीं है ठीक है तो हम लोग यही इसमें डिस्कस करेंगे पूरा फोकस रखेंगे और मैंने इसके लिए पूरा अभी तो इसका तो अमाउंट छोड़ी दो ये तो पर्सनल में अमाउंट में रख के करता था इससे पहले तो अभी हम लोग सिर्फ दो हजार रखेंगे ठीक है 2000 रखेंगे जो पूरा क्लास में ए टू जेड ये सिखाया जाएगा सिर्फ ओनली 2000 हजार में पढ़िए एडवांस पेमेंट होगा ठीक है क्योंकि बहुत लोग हैं जो पेमेंट कर, नहीं करते सीखने के बाद वो ऑफलाइन हो जाते हैं उसका फोन नहीं लगता है ठीक है तो ये इसमें हमारा बहुत दिक्कत होता है तो जैसे कि हम लोग सिखाते हैं वैसे ही आप लोगों को पेमेंट भी करना होगा तो पर हमने क्या कर, किया है सबके लिए दो हजार रखा है ठीक है दो हजार में टोटल कंप्लीट कर देंगे इसमें क्या होगा जो आपका जो आ, हमने जो बेच रखा है टोटल थ्री हंड्रेड का तो ये भी हमारा भी प्रॉफिट हो जाता है आप लोगों का भी प्रॉफिट हो जाता है ठीक है और ऐसा नहीं सीखने के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा ऐसा नहीं है जब आ, आप लोगों को मैं ग्रुप में डाल दूंगा तो क्या होगा कोई भी कोई भी दिक्कत आता है ना तो आप लोग फोन करो या फिर एस करो मैं तुरंत उसका सोल्यूशन उसमें ही वीडियो करके बता दूंगा ठीक है इसका जो एड ऐड होने का जो टेलीग्राम पे मैं लिंक डाल दिया हूँ ठीक है डिसीजन में जाके आप ऐड हो जाना हमारे ग्रुप में आ, तो वो ग्रुप में क्या होगा ना पूरा ट्रेनिंग का ही चैप्टर चलेगा तो उसके बाद हम लोग उस ग्रुप में बात करेंगे कब क्या डालना है कब से स्टार्ट होगा ए टू जेड हम लोग उस ग्रुप में डाल देंगे ठीक है और कोई भी जैसे कि रामलीले का डिज़ाइन अभी मार्केट में अवेलेबल है वो तो फ्री ग्रुप में मिल रहा है मैंने छोड़ दिया का सॉफ्टवेयर भी है और किसी को अगर सेकेंड हैंड मशीन या न्यू मशीन लेना है तो भी आप उससे जाके टेलीग्राम में देख सकते हैं तो मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ आप जाके प्लीज़ ज्वाइन करिए और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना ठीक है तो सेकेंड अभी हम लोग इसमें देख फोकस करेंगे अभी देखते हैं पहले हम लोग क्या करेंगे ना एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे ये 3D के लिए दिखा रहा हूँ ये अच्छे से समझ लेना तो पहले एक बॉर्डर क्रिएट किया अब जैसे कि कस्टमर बोलेगा भाई आप चार इंच छोड़ दो तो चार इंच मतलब एक सौ एक पॉइंट चार इंच ठीक है ये मैंने छोड़ दिया उसके बाद उसके बाद कुछ नहीं करता हूँ रुको इसमें बीट मैं बना सकता था पर अभी नहीं बनाऊंगा पहले डिजाइन देख लेता हूँ इसमें देखो वैसे के लिए बीट है इसमें वैसेकली बीट है ई का है चलो इसमें इंपोर्ट करते हैं ई डी टू शॉर्टकट इम्पोर्ट करते हैं ई डी टू ये रहा एम डी ठीक है आ गया इसको हम लोग क्या करेंगे पहले नॉर्मल वाला कर करेंगे थ्री डी टूलपथ जिनको नॉर्मल करना हो वो पहले ये वाला देख ले उसके बाद में इसको दो बारा करूंगा ठीक है वो डिवाइडेड करके जैसे कि ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा इसको कैसे करेंगे तो एक बार में सब दिखाएंगे ठीक है पर धीरे धीरे दिखाएंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा आराम से कोई टेंशन नहीं सब्सक्राइब uh, करना ज़रूर वीडियो बहुत लोग देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते ना तो उसमें मेरा तो सब्सक्राइब बढ़ता ही नहीं है बहुत कम बढ़ता है तो ऐसे में सब्सक्राइब कर देना लाइक कमेंट शेयर थोड़ा डाल देना इतना तो आप लोग करो तो मेरे को अच्छा लगता है ठीक है वैसे भी कमेंट uh, पे बहुत सारा प्यार आ रहा है अच्छा भी लग रहा है वीडियो बनाने में सच बताऊं तो मैंने पहले थोड़ा देर वीडियो बना के बहुत पहले बंद कर दिया था कोई कमेंट वर्मेंट नहीं करता ना इसलिए अच्छा चलो इसको मैंने रिसर्च कर लिया अच्छे से अभी देखो पहले नॉर्मल वाला जो थी डी टूलपत है वो कर रहे हैं ठीक है थी डी टूलपत कैसे करता है तो वैसे के लिए आपको पेज लेना है और फाइल इंपोर्ट करना है इंपोर्ट करने के बाद आपको इस इसमें जेड रेंज पे आपको हाइट सिलेक्ट करना है आप कितने एम लकड़ी के अंदर इसको डीप करोगे तो लकड़ी के अंदर आपको करना है मान लो दस एम एम तो आप जेड जेड में दस एम डालोगे ठीक है दस एम हो गया उसके बाद अप्लाई ठीक है तो अप्लाई करने के बाद आपको पेस्ट कर देना है ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है और एक बात बहुत लोगों को यह भी प्रॉब्लम हो सकता है ये जो विक्टर मेरा ऑटोमेटिकली आ गया ना शायद बहुत लोगों को नहीं आएगा पेस्ट करने के बाद तो इसका दो तरीका होता है इसको लाने का एक ऑटोमेटिकली अगर कोई भी डिज़ाइन आप पेस्ट करते हो ये ऑटोमेटिकली आ जाता है ठीक है इसको आने के लिए मैं कंट्रोल जेड दबाता हूँ एक सेकेंड रुकिए फिर से दिखा देता हूँ जब भी आप इसको पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने से पहले अगर नहीं आता है ना तो आप कंट्रोल जेड कर करके बैक पोजिशन पर आ जाओ उसके बाद इस पर जाओ ठीक है रिलीफ क्लीप आर्ट पेस्ट ऑप्शन इस पर जाकर ना इधर में देखो नीचे में लिखा हुआ है पेस्ट आउटलाइन विक्टर इसको टिक मार्क कर देना तो ये ऑटोमेटिकली जब भी आप पेस्ट करोगे आ जाएगा ये तो पहला मेथड हो गया सेकंड मेथड क्या है मालूम है मान लो नहीं आया या फिर गलती से डिलीट कर दिया बैक नहीं करना चाहते हो तो सिंपल सी मेथड है आपको इधर में जाना है क्रिएट बाउंड्री फ्रॉम डिलीट इस पर जाके भी आप अगर क्रिएट करोगे ना ऐसे ऑटोमेटिकली वो भी आ जाएगा ठीक है तैयार हो जाएगा कोई भी आप थियी लगा लो इसमें क्रिएट बाउंड्री करने पर वो आ जाता है ठीक है तो चलो मैं इसको यही रखता हूँ अभी मेरे को जरूरत नहीं है तो हमने क्या किया पहले पेज लिया उसके बाद चार्जिंग छोड़ दिए आप चाहो तो डायरेक्टली चार या पाचिंग छोड़ने के बाद जो आता है उसमें ही पेज ले लो पूरा फिट कर लो इसमें शॉर्टकट होता है ये ऑफसेट करने की जरूरत नहीं पड़ता और ये जो चार्जिंग या पाचिंग छोड़ना है ये कस्टमर के हिसाब से छोड़ना है उस उनसे बात कर लेना ठीक है तो बेसिकली चार इंच छोड़ते हैं जो लॉक होता है वो चार इंच या साढ़े चार इंच या साढ़े तीन इंच ऐसा कुछ होता है चलो मैंने डिजाइन पेस्ट कर लिया अभी हमको क्या करना है सिर्फ आउट वाला विक्टर पकड़ना है एक चीज और भी ध्यान रखना मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ ये तो मेजरमेंट का था ए वाला डेट करता हूँ अब जब भी पेस्ट करोगे ना आपके पास ना ये ग्रुप ऑप्शन में आएगा ठीक है ऐसे ग्रुप ऑप्शन में आएगा तो अगर आप इसको पकड़ के आप टूल पात करते हो तो क्या होगा मालूम है अब टूल पाथ में जब आप थीडी कहा रहा थी डी ठीक है जब भी आप टूल पाथ में ना होल रिलीफ है सिलेक्टेड विक्टर है आप लोग क्या करो करते हो सिलेक्टेड विक्टर करते हो हमने सिलेक्ट किया तो उसको सिलेक्ट select किया सिलेक्टेड विक्टर और उसके बाद आता है इनसाइड विक्टर जो विक्टर सिलेक्ट कर उसकी इनसाइड तो अभी ये अगर ग्रुप में है तो आपने ये ग्रुप के अंदर में अगर कैलकुलेट कर दिया तो क्या होगा ये दोनों का विक्टर ये बनता है इनसाइड मतलब इधर में लकड़ी सॉलिड रह जाएगा आपका भाई और ये सिर्फ कटिंग होगा जो देखने में एकदम खराब रहेगा तो हमेशा क्या करना ऑलवेज जब भी आप टूलपत बनाओगे तो पहले करो मतलब पथ करने के लिए आपको अगर मालूम है यह सिंगल विक्टर है फिर भी आप यही करो कर क्योंकि इसमें बहुत फायदा होता है अब क्या करना है कंट्रोल यू मतलब अनग्रुप कंट्रोल यू दबाने से अनग्रुप होता है या फिर आप इसमें राइट क्लिक करो राइट <coughs> क्लिक right करने के बाद अनग्रुप ऑल करो ये दोनों ही कर सकते हो ठीक है कंट्रोल यू दबाने से अनग्रुप विक्टर होता है और अनग्रुप ऑल भी कर सकते हो दोनों में कोई भी एक कर लो ठीक है तो अनग्रुप करने के बाद ना बाहर में क्लिक करो तो अगर छोटा मोटा कोई कंपोनेंट भी होगा ना लाइक इस तरह का जो कोई कोई भी विक्टर होगा ना तो वो भी क्या होगा अनसिलेक्टेड हो जाएगा अब आप इसको सिलेक्ट करो करने के बाद थ्री में जाओ होल्ड डिलीप है थ्री का टूल पद बनाना वेरी इजी अब देख लो सिर्फ तीनों स्टेप है तीनों स्टेप में कंप्लीट हो जाता है पहले आपको डालना है सिलेक्टेड विक्टर ये जो विक्टर सिलेक्ट किया इसको इसमें मैशिंग चलेगा इसके बाहर में नहीं जाएगा सेकेंड है फिनिशिंग ऑप्शन जिसपे आपको बीट डालना है बीट कितना डालोगे सिक्स एम एम फाइव एम एम फोर एम एम तो मैं अभी जैसे फाइव एम एम डालता हूँ ठीक है उसके बाद आपको थ्री में क्या करना है स्टेप ओवर का मैंने वीडियो डाल दिया था नीचे फिर भी मैं डाल दूंगा उसमें जाकर दे, देख लेना एक बार स्टेप ओवर स्टेप डाउन क्या होता है देखो अभी स्टेप ओवर क्या होता है स्टेप ओवर तो अच्छा वीडियो देख लेना मैं इधर में स्टेप ओवर कम करता हूँ फाइव एम एम है ना मैं इधर में करता हूँ सिक्स तो सिक्स में थोड़ा अच्छा क्वालिटी आएगा थ्री में आपको बता दिया था पहले ही स्टेप स्टेप ओवर काम आता है स्टेप डाउन किसी कोई काम नहीं आता उसके बाद रस्टर में आप जा सकते हो आ, अगर रस्टर में इधर में कुछ भी नहीं किया एंगल जीरो है मतलब मैशिंग ऐसे ऐसे कटिंग करेगा देखो ऐसे 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 जाएगा ठीक है मैशिंग ऐसे ऐसे जाएगा जब भी रस्टर में इधर में एंगल में आप 45 डिग्री लगाओगे तो मैशिंग ऐसे से कॉर्नर टू कॉर्नर जाएगा ऐसे 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 करते करते ही जाएगा ठीक है मतलब ये डस्टर ये मशीन को मूवमेंट करने का तरीका चेंज कर देता है सिंपल सी बात है ठीक है अच्छा उसके बाद रफिंग ऑप्शन पे नहीं जाना मैं तो नहीं जाता हूँ ठीक है रफिंग ऑप्शन कब काम आता है मान लो बहुत ज्यादा हाइट है किसी डिजाइन का जैसे कि कोई अगर डाइश का जो होता है ना डाइश का अगर टूल तुल, टूल टूलपत बनाता है थीडी में तो उनको रफिंग में जाना होता है ठीक है जैसे हम लोग लकड़ी पे करते हैं तो ये रफिंग का लगता नहीं ये डायरेक्टली वो बीट जाके कटिंग करके उठ को क्लियर कर देता है ठीक है तो क्या कि हमने किया हमने सिलेक्टेड विक्टर किया इंसाइड किया बॉल बीट सिलेक्ट किया स्टेप को थोड़ा कम किया इसके हिसाब से बीट के हिसाब से मैंने स्टेप किया ज़ीरो पॉइंट सिक्स ठीक है उसके बाद डायरेक्टली मेटेरियल थिकनेस पे आना है इधर में डालना है थर्टी थर्टी क्यों डाल रहा हूँ ये भी बता दे रहा हूँ लकड़ी पे कोई भी डिजाइन हो भाई थर्टी डालो क्योंकि थर्टी मिनिमम हाइट होता है बेट का लगा लो और डोर का लगा लो कोई भी कुछ भी लगा लो सिर्फ जाली का आपको परफेक्ट डालना है ठीक है इतना ही बात है और कुछ नहीं ओके okay, दवा दो ओके okay, दवा देने के बाद आपको क्या करना है आपके इधर में कैलकुलेट नाउ करना है ठीक है तो ये एक्चुअली क्या हो गया ना सिंपल हो गया सर तीनों चीज़ें डालना है पहले सिलेक्टेड विक्टर करो उसके बाद बीट सिलेक्ट करो फिर बीट के बीट सिलेक्ट करने के बाद स्टेप ओवर को थोड़ा चेक कर लो अगर करना है तो करो नहीं तो नहीं करना है तो करो कोई टेंशन नहीं उसके बाद मेटेरियल थिकनेस डालो और कैलकुलेट ना करो और एक बात सेब जेड पे ट्वेंटी फाइव एम एम ये हमेशा सेट करके रखना चेक कर लेना इससे क्या होता है अगर इसमें एक सौ दस बीस आ गए आ जाता है किसी का टू फिफ्टी एम आ जाता है ऑटोमेटिकली mm तो मैसिंग क्या होगा कटिंग करने से पहले ऊपर जाके रुक जाएगा और ईर दिखाएगा अब आपको तो समझ में नहीं आएगा भाई ईर क्यों मैसिंग में आ रहा है तो इसके वजह से आता है ठीक है तो इसको हमेशा चेक करना ये सेफ जेड है मैसिंग ऐसे ऊपर सेफ जेड का काम किया है मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सी बात है मैसिंग क्या होता है मैसिंग ऐसे जब लकड़ी लकड़ी के अंदर ना अपना आप जे जेड जीरो करोगे ये जेड जीरो हो गया तो मशीन क्या होगा ऐसे ऊपर जाएगा ऊपर जाने के बाद ये ऐसे मूवमेंट करेगा फिर अंदर में जाके कटिंग करेगा तो ये जो हाइट है लकड़ी से ऊपर तक इसको बोलते हैं सेफ जेड ठीक है इसको बोलते हैं सेफ जेड तो ये हमेशा याद रखना अभी सेफ जेड अगर ज्यादा होगा तो मान लो मेसिन का हाइट अप टू है 200 सौ एम ठीक है और उधर में रखा हुआ है 220 सौ mm, बीस तो मैसिन तो ऊपर तक जाएगा ही नहीं ना इसलिए क्या होगा ना मैसिन बंद हो जाएगा तो ये हमेशा याद रखना चलो मैं ज्यादा लंबा नहीं बनाता हूँ कैलकुलेट हो गया अब इसको क्लोज कर देता हूँ टूल पथ के साइड के एडो में क्लिक करता हूँ फिर इधर में मैं पहले सिमुलेट करके चेक कर लेता हूँ एक बार ये डायरेक्ट है और ये प्ले बटन है इस पर तो नहीं जाना है इसमें बहुत टाइम लगता है भाई मेरे को नहीं दिखना है शॉर्टकट पर दिखा देता हूँ ये ठीक है देखो ये आ गया सिंपल सी एकदम बहुत बढ़िया अभी स्टेप ओवर अगर देखो ये जो लाइन आ रहा है देखा ये तो वैसे बहुत हाई रिजोल्यूशन पे मैं दिखा रहा हूँ आपको ठीक है ऐसा लाइन वैसे लकड़ी पे नजर नहीं आएगा ठीक है ये लाइन ही जो स्टेप ओवर है वही इसको जितना कम करोगे तो उतना मिटता जाएगा जितना बढ़ोगे उतना बढ़ता जाएगा और टाइमिंग भी कम हो जाएगा जितना बढ़ोगे उतना टाइम में इफेक्ट पड़ेगा जितना कम करोगे उतना टाइम में इफेक्ट पड़ेगा और कुछ नहीं ठीक है तो सिंपल सी सिंपल सी थी डी टूल पाते इसको सिर्फ सेव करो सेव करने के टाइम में इधर में अपना लिखो क्या नाम से सेव करोगे मैंने जैसे गणेश लिख दिया गणेश थ्री डी फाइव एम mm, एम मतलब फाइव एम एम बीच से थ्री डी होगा सेव कर दिया कैंसिल कर दिया उसके बाद टूलपात में मैंने फोल्डर बना के रखा है एक ये देखो गणेश वाला आ गया ठीक है ऑटोमेटिकली टेंशन नहीं है तो ये आपका सिंपल से हो गया थ्री डी टूलपत ठीक है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ अभी सिमुलेशन अब मैं दूसरा वाला दिखाऊंगा और ये टूल पाथ भी मैं डिलीट कर देता हूं तो पहला टूल पाथ हो गया ओके अब हम बनाएंगे दूसरा वाला ठीक है दूसरा वाला बनाने का थोड़ा टफ है तो दूसरा वाला बनाने से पहले ये जो अंदर में विक्टर है ना इसको डिलीट कर दो गणेश के अंदर में ठीक है अब हमको ये कितने एम mm का चाहिए इसमें हमने कितना एम mm डाला था दस एम mm. तो मतलब ये पूरा अभी दस एम mm है ठीक है ये पूरा अभी दस एम mm है तो ये वाला चाहिए हमको बीस एम गणेश वाला तो चलो इसका हम लोग बीस एम करते हैं तो पहले बॉर्डर क्रिएट करेंगे गणेश के आउटसाइड में पूरा आउटसाइड में करना है क्योंकि हमको गणेश कटिंग करके उसको निकालना है ठीक है सिर्फ गणेश वाला ही करेंगे थोड़ा इसको अच्छे से करेंगे ठीक है ऐसा नहीं मैं दिखाने के लिए आपको जल्दी जल्दी कर दूं तो इसमें आ, समझ में नहीं आएगा इसको अच्छे से कटिंग करके निकालना है पहले विक्टर ड्रॉ कर लो अब ये चूहा इनको क्या करे है ना चूहा को छोड़ के साइड से निकल जाओ चूहा को छोड़ के साइड से निकल जाओ क्योंकि चूहा ज्यादा हाइट में आ जाएगा तो देखने में खराब हो जाएगा आपके लिए और एक वीडियो मेरे को डालना ही पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा ना वो क्या है किस हाइट के वजह से मतलब कितना एमएम अगर हाइट होगा और साइज होगा उसके हिसाब से आपको बीट सिलेक्ट करना है समझ गया है मतलब मान लो आपके पास जो डिजाइन है ठीक है वो किस बीट से चलेगा ये आपको पता कैसे चलेगा मैं चाहता हूँ इसमें फाइव एम एम ना लगा के सिक्स एम एम भी लगा सकता था एट एम एम भी लगा सकता था तो मतलब ये समझता कैसे हूँ तो ये इसके लिए ना एक वीडियो बनाना होगा तो ना आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से जब भी कस्टमर कोई सामान दे, दे के जाएगा ना और साइज आपको बता के जाएगा तभी तो आपको आइडिया आ जाएगा मैसिंग में कितना टाइम लगेगा तो चलो ये वाला पोर्शन ना मैं डिलीट कर देता हूँ ये एक्स्ट्रा हो गया इसको डिलीट कर देता हूँ ये 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 बस अब इसको हमको अच्छे से सेट करना है चलो ये वाला इधर में जाएंगे ये हम लोग क्या दिखा रहे हैं डुअल टूल पर मतलब उस टाइम में जैसे कि गणेश वाला ऊपर में हो मेरे पास एक्चुअली क्या है ना एक बार बहुत पहले लकड़ी आया था कस्टमर ने भेजा था वो बोल रहा है भाई गणेश तो बहुत कम आता है डीप दरवाज़ा तो बहुत कम है छोटा है तो दस में में करना पड़ेगा तो मैंने कहा एक काम करो आप बीच में एक लकड़ी लगा दो उसमें सिर्फ गणेश कटिंग होगा और बाकी हिस्सों में उसका आउटसाइड जो डिज़ाइन है वो कंपोनेंट कटिंग होगा ठीक है तो इसमें देखने में अच्छा लगेगा तो सच में बहुत बढ़िया अच्छा लग रहा था देखने में तो उसको आप लोग जान के रखो ये बढ़िया तरीका है कस्टमर भी खुश हो जाएगा भाई इनके कटिंग करने का क्वालिटी आ रहा है इनको सामान दे कटिंग करने के लिए ठीक है अभी कंपटीशन मार्केट है आपको मालूम है होगा कंपटीशन मार्केट में कैसा होता है ठीक है ना अच्छा सब्सक्राइब कर देना भाई सब्सक्राइब करो वीडियो देखते देखते सब्सक्राइब थोड़ा ठूक दो ठीक है बहुत अच्छा लगेगा यूट्यूब वाले पता नहीं कब पैसा देगा अच्छा चलो ये मैंने कंप्लीट कर दिया ठीक है अच्छा गणेश को मैंने अंडरलाइन कर दिया अब इसको कुकी कटर से कटिंग करना है कुकी कटर दबाने के बाद छोड़ दो देखो सिर्फ गणेश वाला कटिंग हो गया ओके आउट विक्टर डिलीट कर देता हूं अभी यह चीज़ अच्छे से समझ लो ये सब दस एम एम है सिर्फ हमको गणेशी कटिंग करना है बीस एम एम प्लस टी प्रेस करो ट्रांसफॉर्म में जाओ इसको दस एम एम की जगह बीस एम एम लगाओ अप्लाई पे क्लिक करो और पेस्ट कर दो हो गया इसका आउटसाइड डिलीट नहीं करना है आपको ठीक है इसका जो आउटसाइड है उसको आपको डिलीट नहीं करना है क्योंकि ये प्रोग्रामिंग होगा चलो तो पहले विक्टर ऑफ कर देते और इसको थोड़ा ऐसे देखते आ, ऐसे देखो अभी देखो गणेश वाला ऊपर है और बाकी कंपोनेंट इस बिट के अंदर है समझ गए परफेक्ट है आ, चलो अब इसको टूल पास करेंगे टूल पा सिंपल है वेरी सिंपल है इसको कंट्रोल यू कटो अनग्रुप उसके बाद अच्छा ये वाला पोर्शन मैंने इसके साथ ले लिया था ठीक है इनको ना इसके साथ नहीं लेना है इनको इसके साथ नहीं लेना है इनको सही करना है मैं इन पर एक बार सी प्रेस कर देता हूँ सी फॉर कट सी फॉर कट ठीक है इन ये जगह ना खराब आएगा अगर अभी ठीक नहीं किया तो इस पे जाएंगे फिर इसमें जाएंगे फिर इसमें फिर इसमें फिर इसमें जाएंगे फिर इसमें जाएंगे ठीक इस है अभी इसको सिलेक्ट कर लिया सिलेक्ट करने के बाद ये मैंने आ, इसको बना दिया ठीक है चलो अभी ठीक है क्योंकि ये नहीं तो पोर्शन आ जाएगा ना ये पोर्शन आ जाएगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगा तो अब हम डबल डबल प्रोग्रामिंग करेंगे चलो कैसे करेंगे अभी देख लो पहले इसका आउटर सिलेक्ट करेंगे हा? फिर इसको सिलेट करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं जो टूल पाथ में जब डालते हैं टूल पाथ में हम जब डालते हैं सिलेक्टेड विक्टर इसको नो करो सिलेक्टेड uh, विक्टर है ना सिलेक्टेड विक्टर करने के बाद कि ऑटोमेटिकली इनसाइड आता है तो इनसाइड अभी इनसाइड किस में आ गया अगर इसको हमने सिलेक्ट नहीं किया था तो ये पूरा ये विक्टर का इनसे होता अभी जैसे जैसे इनको सिलेक्ट किया तभी ये दोनों के बीच वाला पोर्शन इनसेट बन गया मतलब गणेश को वो कटिंग करेगा ही नहीं ठीक है तो चलो फिर भी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे इस पर हम लोग डालेंगे फाइव एम एम फाइव एम एम बॉल नोज उसके बाद थर्टी थर्टी है चलो कैलकुलेट ना करते हैं पहले ये वाला पोर्शन कटिंग कर लेते हैं ठीक है अब दूसरा वाला करेंगे रुको इसका जो प्रोग्रामिंग है ना मैं एक बार में ही बनाऊंगा दो बार में नहीं बनाऊंगा मतलब आप सोचोगे नहीं नहीं गलत कर गलत कह रहा हूँ इसको ना दो बार में बनाना पड़ेगा क्योंकि ये वाला सिक्स एम mm से कटिंग होगा और ये वाला कटिंग करेंगे हम लोग वन पॉइंट फाइव एम से या फिर थ्री एम mm से ठीक है तो देखो अभी रेड कलर हो गया मतलब यह टूलपत कैलकुलेट हो गया देखो ये जाने का रास्ता है ऐसा दिखा रहा है चलो तो यह एक बार हो गया मैं अभी सेम नहीं कर रहा हूँ क्लोज कर देता हूँ और इसका जो लाइट है बल्ब बंद कर देता हूँ अब ये करेंगे हम लोग अंदर वाला सिर्फ अंदर में जाएंगे टूल पाथ पे जाएंगे फिर से जाएंगे थ्री डी इस पर जाएंगे इसमें ओके दबा दो फिर इसमें जाएंगे सिलेक्टेड विक्टर इनसाइड फिनिशिंग ऑप्शन इसमें हम डालेंगे एनिमल डाल दिया इसमें डालेंगे बॉल नोज थ्री एम ठीक है बॉलोस थ्री एम एम और जो है इसमें से गणेश लिख के देता हूँ नहीं तो दोनों एक ही नाम पे सेव हो जाएगा ना कैलकुलेट ना अभी गणेश लिखा है या आउटर लिखा हो मतलब या अपने हिसाब से डी एन कर लो कोई टेंशन नहीं अब सब गणेश वाला कटिंग होगा ऑरिजिन इसी कॉर्नर पर होगा हमेशा याद रखना ठीक है पहले इधर में ऑरिजिन करोगे सिक्स एम लगाओगे फाइव एम एम लगा होता ये सब पूरा कटिंग करेगा गणेश को छोड़ के उसके बाद फिर से मैचिंग लोगे उसके और थी में बीट लगा के फिर से इधर में ऑडिजन करोगे फिर ऐसे ऐसे कट्टे करते निकल जाएगा चलो दोनों ही हो गया अब हम लोग क्या करेंगे इसको प्ले करेंगे सिमुलेट ठीक है सिमुलेट करने के बाद अब देखो अच्छा चीज देखो लकड़ी कितने का है अभी लकड़ी कितने का है अभी लकड़ी है आपका थर्टी एम एम का ठीक है अभी लकड़ी है थर्टी एम एम का ओके अभी लकड़ी है थर्टी एम एम का अच्छा एक एक चीज़ अच्छे से समझ लो ठीक है इधर में ना बहुत डिफ़िकल्ट uh, एक बात है पर मैं इजी करके आपको बता देता हूँ जब आप ऑरिजिन सेलेक्ट कर लोगे पहले वाले का वो तो आपका लकड़ी में होगा ठीक है मान लो यही समझ आता हूँ ठीक है ये इधर में होगा ऑरिजिन आपका पहले वाला क्योंकि वुड है ऐसे ये आपका मेन वुड का साइज है ठीक है कितना आपको वुड पे कटिंग करना है? दस एम एम ओके जब ये कटिंग हो जाएगा ना गणेश को छोड़ के बाकी सब कटिंग कर देगा और दूसरा वाला जब गणेश का जब आप कटिंग करोगे गणेश का जब आप कटिंग करोगे तो जो ऑरिजिन होगा ना वो आपको इसके ऊपर में ऑरिजिन इसी कॉर्नर पे होगा पर जेड जीरो इसके ऊपर करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि उनको मशीन को मालूम है ना उसको कितना एमएम जाना है बीस एम एम अगर आप इधर में जेड जीरो करोगे तो बीस एम तो इधर से जाएगा ना अगर बात देखेंगे तो इसके ऊपर से जाएगा बीस मतलब इधर में कटिंग ही नहीं करेगा पूरा खराब कर देगा तो जेड जीरो इसके ऊपर में करना है आपको तो ये बीस एम एम अंदर जाएगा ठीक है ये या हमेशा याद रखना तो ये मेरा हो गया अब मैं दूसरा वाला प्ले करूंगा ये आएगा गणेश वाला ऑप्शन देखो ये गणेश वाला ऑप्शन आ गया ठीक है ये आपका बीस एम है अभी आप बताओगे भाई ऐसा क्यों दिखा रहा है ये पूरा एक ही एक ही मेजरमेंट पे क्यों दिखाया दिखाएगा इसको दिखाएगा अगर मैं ये आउटर ऑफ सिलेक्ट ना करके अगर इसको सिलेक्ट करता तो फिर ये नहीं दिखाता ठीक है पर प्रोग्रामिंग जो बनेगा वो ऐसा ही बनेगा ठीक है आपको पहले ये चलाना है इधर में ऑरिजिन करके उसके बाद बीच में जो लकड़ी बचा हुआ है ना गणेश के लिए गणेश वाला फाइल लेके आपको इसके ऊपर सिर्फ जेड जीरो करना है जेड जीरो करने के बाद ऑरिजिन पे दो बार क्लिक करना है ऑरिजिन में इधर में आ जाएगा मैशिंग उसके बाद प्ले करो तो मैशिंग इधर में जाके इसके ऊपर के हाइट से यह कटिंग करना स्टार्ट करेगा बीस एम एम तक गड्ढा करेगा तो इधर में बीस एम एम इधर में दस एम एम ये इक्वल हो जाएगा ये पूरा सेट इक्वल हो जाएगा ठीक है ये याद रखना तो ये वाला आप सेफ करना आपको मैंने पहले ही दिखाया अब जैसे डालो गणेश थ्री डी फाइव एम एम आउटर <laughs> और दूसरा वाला आपका गणेश इन मैं अपने समझ के मतलब समझने के लिए जो नाम दे रहा हूँ वही ठीक है आप अपने हिसाब से रख लीजिए समझ में आ गया ठीक है आपको ऐसे ही करना है तो ये देखने में अच्छा लगे ये डबल टूलपात होता है ठीक है मतलब आ, अगर गणेश अच्छा नहीं आ रहा है या फिर मान लो Uh, कुछ भी गणेश को आप mm दस एम एम डीप दे रहे हो फिर भी अच्छा नहीं आ रहा है या फिर सिक्स एम एम से पूरा अच्छा आ रहा है सिर्फ गणेश वाला अच्छा नहीं आ रहा है तब आपको क्या करना है आपको सिर्फ विक्टर को सिलेक्ट करना है इसके आउटर विक्टर को सिलेक्ट करना है विक्टर को या फिर सिलेक्ट करो या फिर आप खुद विक्टर बना लो बनाने के बाद आपको दूसरा प्रोग्रामिंग करो थ्री में जाके उसका बीट छोटा सिलेक्ट करो छोटा सिलेक्ट करके सिर्फ गणेश वाला चला लो ठीक है तो ये सिक्स एम से हो गया ये थ्री एम एम से हो गया तो इसमें क्या होता है ना ये कटिंग uh, अच्छा होता है ठीक है कोई टेंशन अगर इसमें समझ में ना आया ना, ना मुझे कॉमेंट करना मैं आपको वो ग्रुप में डाल दूंगा दूसरा वीडियो बना के बोल के कि वो तो यूट्यूब में छोड़ने का फायदा नहीं है ठीक है ना वो छोटा छोटा जो प्रॉब्लम होता है वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा आप उधर से छोटा छोटा प्रॉब्लम देख लेना क्योंकि छोटा छोटा वीडियो यूट्यूब में मैं बना के नहीं डाल सकता ठीक है चलो अब हम देखेंगे जाली वाला डिज़ाइन थी समझ में आ गया अब हम देखेंगे जाली वाला डिज़ाइन जाली वाला डिज़ाइन देखने के लिए पहले क्या करूँ इसको जीरो कर देता हूँ सबसे बढ़िया इसको डिलीट कर देता हूँ अब एक जाली आ, हम लोग इसमें ऐड करेंगे जाली भाई कहा गए जाली जाली आ गया मान लो कौन सा डिज़ाइन ले लूँ पहले वाला ले लेता हूँ हाँ ओके अभी मान लो ये वाला डिज़ाइन ठीक है चलो इसमें आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मेरे से अभी ये तो साइज बिगड़ गया ना क्योंकि इसमें लॉक नहीं रखा है कंट्रोल जेड जवाओ टी प्रेस करो लॉक लगा लो पहले तो फिर कॉर्नर टू कॉर्नर ये बड़ा छोटा होगा ठीक है साइज नहीं खराब होगा जाली में दिक्कत यही है साइज खराब हो जाने को ना देखने में बहुत घटिया लगता है आ, मान लो ये हमारा शीट है अच्छा ये जो कलर कभी कभी ऐसा ना जाली का डिज़ाइन इंपोर्ट करने के बाद बहुत बहुत तरीके का कलर आता है कभी कभी तो ये दिखाई नहीं देता येलो कलर का बन जाता है तो इसको चेंज कैसे करता है और मालूम है पहले इसको पूरा विक्टर को सिलेक्ट करो आइडिया करके पूरा सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है विक्टर के साइड में क्लिक करना है उसमें पहले वाला जो लेयर सिलेक्ट है उसमें जो कलर है इस कलर पर सिलेक्ट करो पूरा ब्लैक पे लेके ओके दबा दो अभी देखो ब्लैक हो गया ठीक है चलो कोई बात नहीं अच्छा मान लो ये हमारा येलो वाला हमारा शीट है कस्टमर ने भेजा है डब्लू या फिर एम जो भी हो भेज दिया अभी इसको क्या करना है हमको डिज़ाइन कटिंग करके निकालना है और पूरा सीट से कटिंग करके निकालना है ठीक है तो इसमें मान लो आठ फीट बाई चार फीट का शीट है उसमें दस तरह का डिज़ाइन है सिस्टम सबका सेम है ठीक है ये हमेशा याद रखना पहले हम लोग क्या करते हैं इनसाइड वाला सिलेक्ट करते हैं इसका इनसाइड में कटिंग होगा है ना इसका तो इनसाइड में कटिंग होना चाहिए ये वाला इनसाइड डिनसाइड सबका इनसाइड कटिंग होगा उसके बाद ये आउटर सिलेक्ट करके ये बाहर वाला पोर्शन कटिंग होगा तो सेम टू सेम साइज निकल जाएगा ओके तो पहले हमको क्या सिलेक्ट करना है पूरा सिलेक्ट करो इस शिफ्ट प्रेस करके अनसेलेक्ट करो दोनों को अभी टूल पथ पर पे जाओ टू में जाओ आउटसाइड है इसको इनसाइड करो कितना मैम आपको इसको डीप तक जाना है अब डब्ल्यू है मान लो अठारह है डालो अठारह है उसके बाद प्रोफाइलिंग टूल कौन सा बीट से ये कटिंग होगा जाली का डिजाइन ठीक है तो इसमें हम डालेंगे क्या डालेंगे इस पर हम डालेंगे एंड मिल फाइव एम ठीक है फाइव एम के जाने के बाद अभी हमको स्टेप ओवर का कोई लेना देना नहीं है अब हमको जाना है स्टेप डाउन क्योंकि स्टेप ओवर इसमें तो लगेगा ही नहीं ये तो ऐसे ऐसे एरिया क्लियरेंस होता तो लगता तो अभी ये जैसे जाली होगा सेप टू होगा तो सेप कटिंग करेगा ना स्टेप डाउन का मतलब है तो अठारह एम mm तक जाने के लिए मैं इसको डब्ल्यू है तो दो बार में कटिंग करेंगे एम है तो चार बार में कटिंग करना होगा ठीक है एम थोड़ा हार्ड होता है जितना हार्ड होगा उतना तीन चार बार ऐसे ऐसे डिवाइडेड करके आप कटिंग करना तो मैं नाइन दे देता हूँ दो बार में ही कटिंग हो जाएगा उसके बाद सीधा मेटेरियल थिकनेस पे आओ मेटेरियल थिकनेस दे दो जैसे कि इधर में ऊपर करो इधर में क्या है थर्टी एम mm डालना है नहीं इधर में अठारह एम एम डालना है मैंने कहा था जाली का जो होगा वो सेम टू सेम डालना है अट्ठारह में डालो इसको हमेशा टॉप पे रखना और इधर में क्लिक रहना है ठीक है ओके कैलकुलेट नाउ हो पे देखो अभी इधर में चेक कर लो परफेक्ट है अंदर से बीच जा रहा है कटिंग करते करते कोई चीज़ छोड़ नहीं दे रहा है ना अभी इधर में देखो एक गड़बड़ है कैसा गड़बड़ है ये वाला गड़बड़ है ठीक है इसका अंदर में कटिंग होना चाहिए था पर ये बाहर से कटिंग हो रहा है इसका भी एक वजह है ठीक है क्योंकि बाहर से कटिंग हो रहा है इन दोनों का इनसाइड बीच वाला पोर्शन बन गया ठीक है ये वाला तो सही है इसका इनसाइड भी बीज वाला पोर्शन बन गया तो हमको पहले ये लाइट को ऑफ कर देना है मैं इसको ठीक कर लेता हूं पहले अब जो इनका ये कटिंग हो रहा है इनका कटिंग होगा तो इधर से इधर से कटिंग होता है तो निकल जाएगा ठीक है तो वैसे के लिए ये अगर ये पूरा यहां से कटिंग होता है तो इसका रखने का कोई मतलब ही नहीं है इसका कोई रखने का कोई मतलब ही नहीं है ये बेकार में ये दिया हुआ है ठीक है तो एक काम करता हूँ अब समझ रहे हो ना मतलब इसका इंसर्ट कर दिया इसका इंसर्ट ये कटिंग हो गई है तो पूरा जॉइंट ये तो पूरे पहले ही कटिंग होकर निकल के बाहर आ जाएगा तो ये देने का अंदर में ये ऐसा देने का कोई मतलब ही नहीं है मालूम नहीं किस गधे ने इसको बनाया चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ डिलीट कर देता हूँ सही है आ, इसको भी हम लोग सेट कर सकते हैं चलो उसको मैं रख रख देता हूँ इसको मैं आपको सेट करना दिखा देता हूँ बढ़िया होगा एक बक्सा ले लो और इतना तक सपोर्ट तो बनेगा ही ठीक है इतना तक सपोर्ट बनेगा इसको सिर्फ क्या देना है ना आपको सपोर्ट देना है मतलब काट के निकल ना जाए उसको से पकड़ के रखे सिर्फ इतना एक सपोर्ट देना है जैसे कि मैं इधर में एक सपोर्ट दे रहा हूँ ऐसे तो जो इनसाइड होगा अगर इसके इनसेट कटिंग, तो कटिंग हो ये वाला पोर्शन गया तो इसका भी इनसेट कटिंग हो ये वाला होगा ठीक है कटिंग होगा तो ये निकल जाएगा आ, ये खड़ा रहेगा उल्टा हो, हो रहा है आ, इसका इसका इधर में देने का कोई मतलब ही नहीं था बेकार में ही इसने दे दिया डाल दिया पूरा ठीक है आम, इसको कर दिए अभी ठीक है ये अंदर में गड्ढा ही रहेगा यही सही है टाइम बेकार में वेस्ट हो रहा है अच्छा आम, इसको हमको पहले फिर से सिलेक्ट करना है और आप कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करो हो गया इसका अंदर वाला कटिंग होकर निकल गया ओके अच्छा अब इसका आउटर कटिंग करना है ये डा आउटर इसको भी आप सिलेक्ट करो अगर अभी कैलकुलेट ना मारोगे तो ये बंद हो कि ये सिलेक्ट हो जाएगा इसको फिर से खोलना पड़ेगा रुको सिलेक्टेड आउटसाइड अट्ठारह एम एम है बीट सेलेक्ट करो फाइव एम एम फाइव एम का आ गया भाई फाइव एम एम फाइव एम एम और इसमें मैं डाल देता हूँ नाइन करके दो बार में कटिंग होगा अठारह एम एम है और ये लिखता हूँ आउट नहीं तो इधर में दोनों एक ही नाम पे आ जाएगा आउट ठीक है तो पहले प्रोफाइल वाला प्ले करते हैं देखो प्रोफाइल वाला सही अभी प्ले हो रहा है अच्छा बाहर वाला को अभी कटिंग करते हैं बाहर है बाहर वाला यह है बाहर वाला ठीक है है तो अभी देखने में बहुत बढ़िया आ रहा है यही सही था ये अंदर में वो वाला डाल दिया किस लिए मेरे को लगता है वो डाल दिए इसलिए इसको अलग से दूसरी जगह पर लगाएगा ठीक है इसलिए बीच में डाल दिया नहीं तो इसमें डालने का कोई मतलब ही नहीं था इसको सही करने का भी कोई मतलब नहीं बनता तो अभी देखो ये तो टू डी डिजाइन हो गया फ्री मतलब ईजी हो गया ठीक है अभी इनको टूल पर सेव करोगे अभी एट्टी परसेंट लोग क्यों मैं बोलता हूँ ऐसे सिलेक्ट करते हैं पहले प्रोफाइल सिलेक्ट करेगा ठीक है ऐसे लिखेगा ओम जाली इन मतलब इनसाइड इन वाला कटिंग होगा ठीक है फिर सेव करेगा फिर इसको सिलेक्ट करेगा आउट फिर लिखेगा आउट बोल के दोनों सेव करेगा ठीक है मैं करके दिखाई देता हूँ रुको इन इधर में लिखेगा आउट ठीक है हो गया अब हम टूलपत में जाएंगे देखो अभी दो दो विक्टर आ गए हम दोनों को अब बीएसपी में लाके ला प्ले करेंगे एक एक करके ऐसा नहीं शॉर्टकट है शॉर्टकट कैसे हमेशा शॉर्टकट दिखना मतलब अच्छा तो नहीं होता पर कभी कभी देख लेना चाहिए तो पहले क्या है ना प्रोफाइल सिलेक्ट करो पहले ये वाला कटिंग होगा ना तो इसको पहले सिलेक्ट करो जिसको पहले कटिंग करना है तीन साइड वाला पहले कटिंग करना है प्रोफाइल सिलेक्ट किया चलाया बीट सेम होना चाहिए एक चीज याद रखना अगर ये सिक्स एम mm से आउट कटिंग कर रहे हो ये फाइव एम mm, तो फिर ये मेथड काम पे नहीं आएगा एक साथ में ठीक है तो पहले इसको सिलेक्ट किया और दूसरा इसको सिलेक्ट करो आउट फिर इसको एडो से इधर में ले लो तो पहले कौन सा सिलेक्ट हो गया प्रोफाइल ये पहले आ रहा है देखो ये पहले है पहले प्रोफाइल कटिंग होगा उसके बाद ऑटोमेटिकली आउट में जाके कटिंग करेगा बीट सेम है सेम नहीं होगा तो इसमें इड दिखाएगा ठीक है बीट को सेम होना चाहिए उसके बाद आप इसमें लिख लो जाली ये अभी जो सेव किया ना अभी क्या करेगा मालूम है पहले अभी देखो पहले ये जाएगा इनसाइड में कटिंग करेगा ऑटोमेटिकली फिर बाहर आके ये आउटसाइड वाला भी कटिंग कर देगा आपको चलाने की जरूरत ही नहीं है ये डबल प्रोग्राम होता है ठीक है तो मैंने आपको टू डी भी दिखा दिया थ्री डी भी दिखा दिया ठीक है जाली टूल पथ बनाना मैंने आपको आराम से दिखा दिया आप दो तीन बार वीडियो को प्ले करके कर देखो तो अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है ना कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे ग्रुप में डाल देना टेलीग्राम ग्रुप में नीचे दे रहा हूँ उसमें जाके आप ग्रुप में लिख लेना भैया इसमें थोड़ा अटक गया स्क्रीन शॉट डाल के तो मैं आपको उसमें छोटा सा वीडियो बना के जल्दी से समझा दूंगा ठीक है नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसमें हम लोग दिखाएंगे कौन सा डिज़ाइन में आ, कौन सा बीट यूज़ कर सकते हैं ठीक है ये मैं अच्छे से दिखाऊंगा वीडियो बना के दो दिन के बाद मैं वीडियो डालूंगा ठीक है और ट्रेनिंग का भी याद रखना मार्च से मैं स्टार्ट करूंगा Uh, सर सब कुछ uh, मैं आपको बता दूंगा uh, टेलीग्राम पे डाल के ठीक है इसको थोड़ा मैं ये सब चेंज कर देता हूँ ये सब पहले मैं करता था ना <laughs> तो सीखने में तो बहुत कुछ मिलेगा कोई टेंशन नहीं है अब आप लोग एक लकड़ी कटिंग कर करोगे तो उसमें से आपको दो आराम से मिल जाएगा ठीक है तो ट्रेनिंग करने का जितना लगता है मैं शायद दो ही लूँगा इसके बाद और नहीं लूँगा तो सबके लिए uh, सेम ही हो जाएगा और कोई भी सी एन सी का प्रॉब्लम हो या फिर आप लोगों को सी एन सी लेना है तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्टैक्ट करना मैं आपको मेरा ही मैं जाके ख़ुद जाके इंस्टॉलेशन और सर्विस करके आऊँगा ठीक है लाइक कॉमेंट शेयर ज़रूर कर देना